हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। तो वक्त हो गया है सुबह सुबह की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो खबरों को शुरू करने से पहले पेश है आपके लिए आज का सवाल। पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? आप इस सवाल का जवाब कमेंट में लिख दीजिए। तो चलिए जानते हैं आज सुबह सुबह की बड़ी खबरें। एडीआर की रिपोर्ट में दावा, 4,800 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ 2019-20 में सबसे धनवान पार्टी रही है भाजपा। जी हां, केंद्र की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी संपत्ति के मामले में देश के अन्य दलों से कोसों आगे है। चुनावी विश्लेषण करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की ओर से ऐसा दावा किया जा रहा है कि साल 2019-20 में भाजपा 4,847 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ सबसे धनवान पार्टी रही है। एडीआर ने 2019-20 में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों की संपत्ति और देनदारियों के विश्लेषण के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की है। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में 7 राष्ट्रीय दलों की कुल संपत्ति 6,988 करोड़ रुपए और 44 क्षेत्रीय दलों की कुल संपत्ति 2,129 करोड़ रुपए की थी। राष्ट्रीय दलों में भाजपा के पास सबसे अधिक 4,847 करोड़ रुपए की संपत्ति थी, जो कि कुल संपत्ति का 69% है। इसी तरह से बसपा 698 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ दूसरे और कांग्रेस 588 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ तीसरे पायदान पर है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2017 में इजराइल से खरीदा था पेगासस स्पाईवेयर। जी हां, भारत सरकार ने 2017 में इजराइल से पेगासस स्पाईवेयर खरीदा था। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में ये दावा किया है। अखबार ने लिखा कि भारत सरकार ने इजराइल से करीब 15,000 करोड़ रुपए का रक्षा सौदा किया था, जिसमें पेगासस की खरीद भी शामिल थी। भारत के अलावा सऊदी अरब, मेक्सिको, पोलैंड और हंगरी समेत कई देशों ने इजराइल से जासूसी करने वाले इस सॉफ्टवेयर का सौदा किया था। रिपोर्ट में 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा का भी जिक्र किया गया है। यह भारतीय प्रधानमंत्री की पहली इजराइल यात्रा थी। नरेंद्र मोदी ने यह यात्रा ऐसे समय पर की थी जब भारत फिलिस्तान को लेकर अपनी नीति पर चर्चा कर रहा था और इजराइल के साथ रिश्तों में बहुत गर्माहट नहीं थी। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा सफल रहा। बच्चों के लिए जल्द मिल सकती है कोरोना की सिंगल वैक्सीन, स्पुतनिक एम भारत लाने की तैयारी में है डॉक्टर रेड्डीज। जी हां, भारत में 12 से 18 साल की उम्र के किशोरों को भी जल्द ही कोरोना से बचाव का टीका मिल सकता है। दवा निर्माता कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने कहा कि वह भारत में 12 से 18 साल की श्रेणी के लिए रूस के स्पुतनिक एम एक कोविड-19 वैक्सीन लाने के लिए भारतीय दवा नियामक के साथ चर्चा कर रही है। कंपनी ने तीसरी तिमाही के परिणामों की घोषणा करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि रूस की सिंगल खुराक कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक लाइट के तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल डेटा नियामक को प्रस्तुत कर दिया गया है और अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रहा है। दीपक सपारा के सीईओ एपीआई और सर्विसेज डॉक्टर रेड्डीज ने यह भी कहा कि कंपनी अपनी फैक्ट्री में एक कोविड-19 दवा मोलनुपिरेविर बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके लिए उसने दवा की प्री क्वालिफिकेशन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से संपर्क किया है। उन्होंने कहा कि रूस में स्पुतनिक एम को 12 से 18 साल के बच्चों के लिए नियामक द्वारा मंजूरी दी गई है। वही डेटा यहां उपलब्ध कराया गया है। हम इसे यहां लाने की प्रक्रिया में हैं। इस साल महंगाई होगी सबसे बड़ी परेशानी, इन्फ्लेक्शन के कारण ग्लोबल इकोनॉमी के ग्रोथ का अनुमान घटाया गया। जी हां, ग्लोबल इकोनॉमी इस समय महंगाई की समस्या से परेशान है। यही वजह है कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं, जिससे एक्सेस लिक्विडिटी पर कंट्रोल किया जा सके। रॉयटर्स के एक पोल के मुताबिक साल 2022 में दुनिया के सामने ऊंची महंगाई दर की बड़ी समस्या रहेगी। महंगाई के कारण ग्रोथ रेट पर असर दिखाई देगा। अगर महंगाई नियंत्रण में नहीं आती है तो इसके कारण डिमांड में गिरावट आएगी और रिकवरी की रफ्तार धीमी होगी। ऐसे में इन्फ्लेक्शन को कंट्रोल करने के लिए दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों को समय से पहले इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पर फोकस करना होगा। कुछ महीने पहले की बात है जब आरबीआई समेत तमाम सेंट्रल बैंकों ने कहा था कि कोरोना महामारी के कारण सप्लाई चेन सिस्टम प्रभावित हुई है। यही वजह है कि महंगाई दर में उछाल आया है। इसका असर तात्कालिक रहेगा।
रॉयटर्स की तरफ से 500 इकोनॉमिस्ट को लेकर एक सर्वे किया गया। इस सर्वे में दुनिया के 46 देशों को शामिल किया गया। रिपोर्ट में ज्यादातर इकोनॉमिस्ट ने 46 में ज्यादातर देशों के लिए एक साल इन्फ्लेक्शन के अनुमान को बढ़ाया है और माना जा रहा है कि 2023 में प्राइस पर दबाव कम होगा। विरोधियों पर मायावती का हमला, बेरोजगारी और महंगाई को छोड़ धार्मिक जातीय भेदभाव पर वोट मांगने का लगाया आरोप। जी हां, बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने सपा और बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विरोधी दलों के नेता रोजी रोजगार, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों को छोड़कर धार्मिक जातीय भेदभाव और नफरती बातों के आधार पर वोट मांग रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लिखा कि यूपी चुनाव में विरोधी पार्टियों का जन विरोधी चाल चरित्र चेहरा और दो मुहापन पुनः उजागर। वे रोजी रोजगार, बेरोजगारी व महंगाई आदि की पहाड़ जैसी समस्याओं को दूर कर अच्छे दिन की बात नहीं बल्कि धार्मिक जातीय भेदभाव व नफरती बातें करके वोट मांग रहे हैं, जो कि कतई उचित नहीं है। सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर तंज, कहा एसपी ने हज हाउस बनाया और बीजेपी ने मानसरोवर भवन। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी की सरकार ने गाजियाबाद में हज हाउस बनाया था, जबकि बीजेपी की मौजूदा सरकार ने यहां अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण कराया और इससे दोनों दलों के बीच के अंतर को साफ हो गया है। बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश की पूर्व सरकार ने गाजियाबाद में हज हाउस का निर्माण कराया था। बीजेपी सरकार ने यहां पर 94 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण कराया। आस्था को सम्मान देता यह भवन श्रद्धालुओं के लिए बड़ी सौगात है, फर्क साफ है। पेगासस पर न्यूयॉर्क टाइम्स के दावे पर बोले राहुल गांधी, कहा मोदी सरकार ने किया देशद्रोह। जी हां, पेगासस स्पाईवेयर से संबंधित अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि साल 2017 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसराइल गए थे तो $2 अरब का रक्षा सौदा हुआ था। इस सौदे में पेगासस को लेकर भी डील हुई थी। इस खबर को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि मोदी सरकार ने हमारे लोकतंत्र की प्राथमिक संस्थाओं, राजनेताओं व जनता की जासूसी करने के लिए पेगासस खरीदा था। फोन टैप करके सत्ता पक्ष, विपक्ष, सेना, न्यायपालिका सबको निशाना बनाया जा रहा है, ये देशद्रोह है। महाराष्ट्र में महिला पुलिसकर्मियों को अब देनी होगी महज 8 घंटे की ड्यूटी, डीजीपी ने जारी किया आदेश। जी हां, महाराष्ट्र पुलिस में कार्यरत महिला पुलिसकर्मियों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। महाराष्ट्र पुलिस ने महिला पुलिसकर्मियों को कार्य और व्यक्तिगत जीवन के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने में मदद करने के लिए उनके कार्य के घंटे को 12 से घटाकर 8 घंटे कर दिया है। इसको लेकर राज्य के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी संजय पांडे ने एक आदेश जारी कर दिया है। इससे महिला पुलिसकर्मियों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। डीजीपी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि पूरे राज्य में महिला पुलिसकर्मियों को अब 12 घंटे की बजाय 8 घंटे ड्यूटी करनी होगी। महिला पुलिसकर्मियों के लिए नया कम अवधि का कार्य दिवस प्रयोगात्मक आधार पर लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए 8 घंटे की ड्यूटी अगले आदेश तक लागू रहेगी। सभी यूनिट कमांडरों को यह सुनिश्चित करना होगा कि आदेश को लागू किया जाए और महिला पुलिसकर्मियों को राहत दिया जाए। दिल्ली में प्रदूषण प्रमाण पत्र के बिना नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल, सरकार ने बनाई नई नीति। जी हां, दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, इसे कम करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में अब दिल्ली सरकार ने नई नीति तैयार की है। इसमें पेट्रोल पंपों पर बिना प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र यानी PUC के वाहन चालकों को पेट्रोल डीजल नहीं देने का प्रावधान किया गया है। हालांकि इस नीति को लागू करने से पहले सरकार जनता की राय लेगी और उसके आधार पर ही आगे का निर्णय लिया जाएगा। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि नई नीति के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रदूषण फैलाने वाले वाहन राजधानी की सड़कों पर न दौड़े और लोग साफ हवा में सांस लें। उन्होंने कहा कि इस नीति से सरकार को प्रदूषण नियंत्रण करने में काफी मदद मिलेगी। हालांकि इसे लागू करने से पहले इस पर राष्ट्रीय राजधानी में लोगों के विचार लिए जाएंगे, उसके आधार पर ही आगे का निर्णय लिया जाएगा। SBI ने 3 महीने से अधिक की गर्भवती महिलाओं को माना अयोग्य, महिला आयोग का नोटिस।
जी हां, भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI ने अपने एक नियम को लेकर विवादों में घिर गया है। दरअसल बैंक ने एक नियम जारी किया है जिसमें 3 महीने से अधिक की गर्भवती महिला को अस्थायी तौर पर अयोग्य माना गया है और प्रसव के 4 महीने बाद बैंक में शामिल होने का प्रावधान किया गया है। दिल्ली महिला आयोग ने इस नियम को भेदभावपूर्ण और अवैध बताते हुए नोटिस भेजा है। SBI ने महिला उम्मीदवारों को भर्ती को लेकर कुछ नियम बदले हैं। इन नियम के तहत 3 महीने से अधिक की गर्भवती महिलाओं को अस्थायी तौर पर अयोग्य माना गया है और उन्हें बच्चा पैदा होने के 4 महीने बाद बैंक के साथ जुड़ने को कहा गया है। इससे पहले कुछ शर्तों के साथ 6 महीने तक की गर्भवती महिलाओं को बैंक में काम करने की इजाज़त दी जा रही थी, हालांकि इसके लिए डॉक्टरी सलाह लेना अनिवार्य था। अब SBI को भेजे नोटिस में दिल्ली महिला आयोग ने लिखा कि उसने मीडिया में प्रकाशित खबरों के आधार पर इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इसे गंभीर मामले बताते हुए कहा, यह भेदभावपूर्ण और अवैध है। यह लिंग के आधार पर भेदभाव करता है जो संविधान में दिए गए मूल अधिकार का उल्लंघन है। RRB NTPC को लेकर रेलवे का स्पष्टीकरण, कहा 2 चरणों में परीक्षा नियमों के मुताबिक 7 लाख अलग उम्मीदवार की नहीं थी कोई बात। जी हां, रेलवे ने स्पष्ट किया है कि गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों NTPC में भर्ती के लिए 2 चरणों की चयन प्रक्रिया को अपनाना नियमों के मुताबिक है। रेलवे ने कहा कि इस भर्ती परीक्षा में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी है और ऐसे परीक्षाओं के लिए 2 चरणों की चयन प्रक्रिया का नियम है। रेलवे का ये स्पष्टीकरण ऐसे समय में आया है जब भर्ती परीक्षा के 2 चरणों में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को लेकर देश के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसके साथ ही कई परीक्षार्थी परीक्षा कराने के तरीके में अनियमितता का भी आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है और इसमें कई दिक्कतें हैं। उनका एक ये भी आरोप है कि यह परीक्षा ऊंची क्वालिफिकेशन वाले लोगों को भी इस परीक्षा में बैठने की इजाज़त देती है, जबकि इसमें शामिल पद कम योग्यता या क्वालिफिकेशन वाले लोगों के लिए है। अब हम अगले 24 घंटों के दौरान देश भर के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम हिमालय के ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश और हिमपात संभव है। तटीय तमिलनाडु, रायलसीमा और केरल और लक्षद्वीप के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों पर शीतलहर की स्थिति जारी रह सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में शीत दिवस की स्थिति देखी जा सकती है। आज का सुविचार, महान बास्केटबॉल खिलाड़ी कोबे ब्रायंट ने कहा था, यदि आप वास्तव में बेहतर बनना चाहते हैं तो आपको कुछ और तैयारी करनी होगी। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जीओबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।